हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 24th ऑफ मार्च है। आज का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज एनालिसिस हम करेंगे और आज का न्यूज एनालिसिस काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है हम सबके लिए, हम सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आज जीएस 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले 3-4 सालों में, जिस तरह के पैटर्न पूछा गया है सवालों का, मेन्स में मैं बात कर रही हूँ, उसकी छोटी सी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ जो आज की एक बड़ी न्यूज है उससे उसको जोड़ने का भी एफर्ट करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट तो यही होता है ना कि हम न्यूज का एनालिसिस करें और ये जान पाए कि वो हमें कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में एक एड ऑन का काम कर रही है या नहीं। तो मैंने इसको सोचा कि जिस तरह मैंने आपको जीएसटी के सवालों के प्रीवियस न्यूज क्वेश्चन पेपर्स पे एक मैंने एनालिसिस करी थी तो वो काफी लोग पसंद आई, उन लोगों ने अच्छे रिमार्क्स भी दिए हैं और आगे उन्होंने बोला भी है कि मैम ऐसे ही प्रेजेंटेशन और बनाए। तो मैंने आज GS2 के टॉपिक को उठाते हुए उसके ऊपर हम एक छोटी सी एनालिसिस करेंगे और न्यूज को भी पढ़ेंगे। तो आज की जो मेजर न्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है जो आप सामने देख रहे हैं। पहली तो ये कि राहुल गांधी साहब को कन्विक्शन हुआ, जिसमें एक उन्होंने चुनाव रैली में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया और उसकी वजह से उनको सजा हुई और उनको बेल भी मिल गई है। तो उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे GS2 के लिहाज से कि कैसा क्या क्या हुआ जो हमारी तैयारी में हेल्पफुल है। चुनावी दाव पेज में हम नहीं जाएंगे। और दूसरी न्यूज वो ये है, गुलेटिन का यूज किया गया इन पार्लियामेंट, वो भी देखेंगे क्यों यूज किया गया, उसको पढ़ेंगे और थोड़ी निटी-गिटीज है उनको भी हम देखेंगे। तो ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी पिछले 3-4 सालों में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन का एक्ट को लेकर के कौन कौन से सवाल बने। क्योंकि अगर आप याद अगर ध्यान से समझिए तो जो ये राहुल गांधी साहब का जो जो ये केस है, ये सीधा सीधा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन का केस है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का ही केस बनता है, राइट? तो उस केस में हमें ये देखना है कि GS2 में इसका स्कोप क्या है, अभी तक इस पे क्या क्या सवाल बने हैं और आगे और क्या सवाल बन सके। क्योंकि आप एक समझ के चलिए, जो ये रिप्रेजेंटेशन का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है यूपीएससी के लिहाज से, इस पे सवाल बनना तय है, इसको पढ़ना ही चाहिए, आपको अपनी तैयारी में एड ऑन करना चाहिए। और अगर आपको ये पता चल जाए कि सवाल कैसे बन रहे हैं तो मैंने तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो उस केस में मैंने 2022 से लेकर के 2019 तक के 18 भी है इसमें, एक साल का गैप है, शायद 21 में कोई सवाल नहीं आया है, उसके अलावा 22 में आया है, 20 में आया है, 19 और 18 में भी है, सिर्फ 21 में सवाल नहीं शायद आया है, एक साल का मिस करके। बाकी सभी सालों में, पिछले 4 सालों में, 4 या 5 सालों में लगा लीजिए, आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन पे एक सवाल जरूर बना है, ठीक है? तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है और सवाल भी समझने जरूरी है कैसे बन रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं सवाल पहले, उसके बाद हम एनालिसिस पे आएंगे। तो पहला सवाल ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन पेपर का, दैट डिस्कस द प्रोसीजर्स टू डिसाइड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इलेक्शन ऑफ एनी रिटर्न्ड कैंडिडेट मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड एंड व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी अगेंस्ट द डिसीजन रेफर्ड टू द केस लॉस। तो याद रखिए, जब भी आप कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे GS2 में, कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, खैर 250 शब्द का है और पिछले सालों में थोड़ा वेरिएशन भी है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि शब्दों में जब भी आप आंसर दें, चाहे 250 हो चाहे 150 हो, ठीक है, आप कोशिश करें केस लॉ जरूर लगाइएगा, वरना नंबर थोड़े कम अच्छे मिलते हैं जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप केस लॉ अगर रखेंगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। सवाल पूछता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए, ठीक है? किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है, उसको भी देख लेंगे। सेक्शन 8 के 1, 2, 3 सेक्शंस आते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, उसको देखेंगे। इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है और वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। अगर आप ये लास्ट ईयर का सवाल अगर सीधे उठाते हैं, हम 22 का है ये, तो सीधा सवाल ये बनता है, जब भी चल रहा है कहानी चल रही है राहुल गांधी साहब की, सीधा सवाल बनता है, केस लॉ उठा सकते हैं, कई सारे केस पहले भी आए हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। नाउ दूसरा सवाल ये है, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। राज्यपाल का सवाल मैंने यहाँ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि अभी गवर्नर्स के ऊपर एक बहुत लंबी लड़ाई इस साल पूरी चली रही है, तो मेन स्पेस पे सवाल बनना तय है, मेरा दिल कहता है, क्योंकि तो गवर्नर्स के डिस्क्रिशनरी पावर्स पे इतने आर्टिकल्स आए हैं गवर्नर्स के, चाहे आप तमिलनाडु ले लीजिए, आप यहाँ पे आप झारखंड ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, हर जगह गवर्नर्स की पावर्स पे एक जद्दोजहद चल रही है। तो ऐसा लगता है कि इस पे सवाल बनना तय है।
तो विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। और डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। ठीक है, डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ प्री प्रमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। ठीक है, क्लियर हुआ कोई सवाल? तो मैंने इसको जानबूझ के ऐड किया, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन का नहीं है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट है, जाते हैं फिर। ये शायद आपके पास, मैं अगर टाइमलाइन भूल नहीं रही हूं, तो ये आपका 20 का है, उसके बाद 18 का है, और फिर या 19 का होगा, ये 2018। तो मतलब तीन सालों में एक एक सवाल आया ही है GS2 में, ऐसे मान लीजिए। ठीक है ना, तो पॉइंट इज कि आप इसको हम देखेंगे और समझेंगे कि अभी के प्रेजेंट वाले सवाल में, प्रेजेंट की सिचुएशन में कहाँ ठीक बैठता है, और एक आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया को के सरलीकरण की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। एंड देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्संस फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कमेंट। ठीक है, ये भी बिल्कुल सटीक बैठता है अभी की हालत में, 150 शब्दों में लिखना है 10 नंबर का सवाल। उसके बाद राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक सदस्य संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप विवाद विवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है, चर्चा कीजिए, पड़ भी चुका, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है ना, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन with which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcomes discussed। ठीक है, तो एक ऐसे स्टाइल क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों पक्ष, खैर जब भी सवाल लिखेंगे दोनों पक्ष रखेंगे, आपके सपोर्ट में भी होना चाहिए, अगेंस्ट में भी होना चाहिए, और ये भी आपका आई थिंक 10 नंबर 15 नंबर का है, 150-250 शब्दों में आप इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, यहाँ लिखा नहीं है कितने शब्दों में, ये 150 में लिखा है। उसके बाद किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अधीन अंतर्निहित किया जा सकता है, उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निर्हरित व्यक्ति को अपनी निर्हरता के विरुद्ध उपलब्ध है। On what grounds a people's representative can be disqualified under Representations of People's Act 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification. मतलब मोटा मोटी सवाल disqualification के ऊपर है, क्या क्या कौन कौन से की रूल्स है, कहाँ पे disqualify है, कहाँ पे हो सकता है, उसके अगेंस्ट उनके उपचार क्या क्या है, और उन सब डिस्क्वालिफिकेशंस को फेस करते हुए उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है लॉ बनाने की, नियम बनाने की एज ए लॉ मेकर, वो भी खतरे में है, इसके ऊपर भी एक सवाल है। ठीक है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि जब एमपी के ऊपर अगर एमपी को अगर सजा मिलेगी तो फिर लॉ कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा, तो उस पर भी एक दूसरा पक्ष भी हमको पता होना चाहिए, इसलिए कभी भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे दोनों आस्पेक्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं न्यूज पे, तो न्यूज के स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज स्क्रीनशॉट है, जहां पे लिखा है राहुल कन्विक्टेड इन डिफेमेशन केस, कांग्रेस स्क्रैम्बल्स टू कीप हिम इन हाउस, राइट। उसके बाद राहुल गेट्स 2 years इन जेल फॉर 2019, मोदी रिमार्क हिज फ्यूचर एज एमपी एट स्टेक, मतलब उनका जो भविष्य है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उस स्टेक पे है, और ये पूरी टाइमलाइन है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। उसके बाद ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का है, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, राहुल मस्ट फेस कॉन्सिक्वेंसेज, बीजेपी ने कहा है कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने चाहिए, नियम सबके लिए समान है। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, क्या बीजेपी के नेता ऐसा कोई रिमार्क्स नहीं देते हैं, ये मेरा पर्सनल सवाल है। बिल्कुल, अगर ये जो नियम बीजेपी के लिए है वो कांग्रेस के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है वो बीजेपी के लिए भी, तो पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइमलाइन 80 की है, 80 में आप देखिए बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने, डिस्क्वालिफिकेशन का भी बताया तरीका क्या क्या है, कौन कौन से नियम है, उसके बाद कौन कौन अभी तक डिस्क्वालीफाई हुआ है ये भी बताया, ताकि आपको टाइमलाइन पता चले जहां पे आप केसेस को रेफर कर सकते हैं कि कौन कब किस वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ, और कौन कौन से सेक्शंस को आप यहां कवर कर रहे हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन वाले एक्ट का। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, ये आपको इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, लॉ एंड पॉलिसी में है, और उसके अलावा और भी चीजें मिल जाएंगी अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, और जो बच्चे जिनके पास टाइम कम है वो इस न्यूज एनालिसिस को देखने के बाद फायदे में रहेंगे, ऐसा मेरा वादा है। Alright, so ये आर्टिकल कहता है राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड एज लोकसभा एमपी आफ्टर कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब जिनको दोषी ठहराया गया। How the process works, वही process काम कैसे करता है। Now Rahul Gandhi's disqualification comes a day after he was sentenced to 2 years in jail in a defamation case, ठीक है, मानहानि, defame करना किसी को, triggering
द प्रोसेस ऑफ हिज डिसक्वालिफिकेशन एज एन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट? व्हाट एग्जैक्टली डज द लॉ से एंड व्हाट आर गांधीज ऑप्शंस, इसके ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। अच्छा, अब उसको टाइमलाइन पढ़ लेते हैं फटाफट, जिनको नहीं पता है वो भी समझ लेंगे, इनको पता है, वेल एंड गुड। नाउ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लोकसभा अ डे आफ्टर ही वाज कन्विक्टेड इन डिफेमेशन केस बाय सूरत कोर्ट, ठीक है, उनको कन्विक्ट किया गया और लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया गया। कन्विक्ट होते ही वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, नियम कहता है। A day after he was convicted in a defamation case by a Surat court, notice issued by Lok Sabha Secretariat said said he stood disqualified from the House from March 23, the day of his conviction. जैसे ही conviction होता है, same day disqualification शुरू हो जाता है। राहुल गांधी has to now move a higher court and get his conviction stayed. और उनको अब करना क्या है? अपने conviction को stay कराना है। On Thursday, March 23, Gandhi was held guilty and sentenced to 2 years in jail by Surat Court in a 2019 defamation case. अगर कोई confused हो रहा हो कि अभी वो यूनिवर्सिटी में कुछ बोल के आए थे, वो केस नहीं है, ये 2019 का defamation case है, कुछ जला रहा है, सूरत में हुआ था, over his remarks about Modi surname, right? The conviction triggered the process of his disqualification as a lawmaker. Or what is the ruling and how does the disqualification ऑपरेट, ये क्वेश्चन है। उसके बाद अब देखते हैं कि सूरत में क्या हुआ, वहां पे क्या रूल किया गया। चीफ जस्टिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा कन्विक्टेड गांधी इन अ 2019 डिफेमेशन केस फॉर सेइंग व्हाई डू ऑल द थीव्स हैव द नेम मोदी एंड सेंटेंस हिम टू 2 years इन प्रिजन। द रिमार्क्स वर मेड ड्यूरिंग अ रैली इन कोलार, तो कोलार कर्नाटका में एक रैली, उन्होंने इस बात को कहा था कि उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के कुछ सेंटेंस यूज किया, मैं नहीं पढ़ूंगी यहाँ पे। उसके ऊपर उनको क्वेश्चन किया गया, उसके उनके ऊपर एक केस दायर किया गया और वो उसको हार गए, उनके ऊपर डिफेमेशन के ऊपर कन्विक्शन लगा। और साथ ही साथ सेक्शन 500 हुआ क्या, सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी इंडियन पीनल कोड प्रिस्क्राइब फॉर डिफेमेशन अ सिंगल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद इन फाइन और विद बोथ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो धारा लगी है वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन की नहीं है, धारा लगी है आईपीसी की 500, जिसके अंदर उनको डिफेमेशन का इम्प्रिजनमेंट मिला है 2 साल का, एक्सटेंड टू 2 years 2 साल तक, और फाइन, जो फाइन कहीं लिखा है 15,000 या 15,000 है, एक जगह में देखा 10,000 है, तो जो फाइन लगा और दोनों के साथ और विद बोथ लगा है, ठीक है, या तो ये मे एक्सटेंड टू 2 years दो और विद फाइन और विद बोथ, राइट, clear? The court also approved Gandhi's bail on a surety of 15,000 and suspended the sentence for 30. और साथ ही साथ उनको बेल भी मिल गई 30 दिन के, जो सेंटेंस मिला उसको सस्पेंड किया गया है, 3 दिन के लिए सस्पेंड रोका गया है 30 दिन के लिए, टू अलाउ हिम टू अपील, और उनको अपील करने का टाइम दिया गया है। यही कैच है। Although नियम के हिसाब से जैसे ही आपको कन्विक्ट किया जाता है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जैसे ही आप कन्विक्ट होते हैं तुरंत ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, why was गांधी डिस्क्वालीफाइड, अब समझते हैं डिस्क्वालीफाई वो क्यों हुए थे, वो हमें समझना जरूरी है, हमारी यूपीएससी की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, प्री और मेंस दोनों में। डिस्क्वालीफाइड ऑफ अ लॉ मेकर इज प्रिस्क्राइब्ड इन 3 situations, 3 situations है, वही जो तीन चीजें पूछी गई है, कौन कौन से कारणों से डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो यही है। फर्स्ट इज थ्रू द आर्टिकल 1021 एंड 191(1) फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो आर्टिकल 102(1) में और 191(1) में लिखा है, फर्स्ट थ्रू आर्टिकल 102 एंड 191(1), ठीक है। द ग्राउंड्स हियर इन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं अगर किसी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रखा हो, बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट और नॉट हैविंग वैलिड सिटीजनशिप, ये तो क्लियर है, इसलिए ये तो है ही नहीं। सेकंड प्रिस्क्राइब करता है डिस्क्वालिफिकेशन इज इन 10th शेड्यूल, दल बदल कानून के हिसाब से, अगर आप कोई काम जो दल बदल कानून है उसमें अगर आप आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई करते हैं, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, उसके कारण से आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। और तीसरा है द प्रिस्क्रिप्शन इज अंडर द Representation of the People's Act RPA 1951 with this allow provides for disqualification for conviction in criminal cases, ये लगा है। Now the point is this, यहाँ पे दो चीजें add हो रही, दिमाग लगाइएगा कि उनको जो सजा हुई है वो IPC के तहत उनको सजा और जुर्माना बताया गया है, लेकिन disqualify वो कहाँ हुए हैं, disqualify वो कहाँ हुए हैं, पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और उन वहां पर डिस्क्वालीफाई करने के लिए आरपीए लगता है, दैट इज पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, क्लियर है, तो दोनों चीजें में कंफ्यूज मत होइएगा।
Now, what does the RPA say? RPA कहता क्या है? There are several provisions that deal with disqualification under the RPA. कई सारे provisions हैं जो disqualification में deal करते हैं, समझिएगा one by one. Section 9 deals with disqualification for dismissal for corruption or disloyalty. Section 9 deal करता है किसमें? Corruption पे, disloyalty पे. और किसी government contract में अगर आप आते हैं law maker होते हुए तो आप disqualify होते हैं. ये provision है, प्रावधान है. Section 10 कहता है with disqualification for failure to lodge an account of election expenses. और अगर आप election expenses को lodge करने में चूक गए तो भी आपके ऊपर RPA, तो भी आपको ऊपर disqualification का प्रावधान लग सकता है. A key provision section 11 deals with the disqualification for corrupt practices. ठीक है, इनमें तो आ गया 9, 10 और 11 लगता है. राइट, ये RPA ये कहता है कि एक प्रावधान है इन तीनों सेक्शंस में आपको डिस्क्वालीफाई करने का. राइट, ये वाला जो था, जो यहाँ पे जो चीजें लगी हुई हैं, ये यहाँ पर लगी हुई हैं आर्टिकल 102 और 102 का सब क्लॉज 1 और 191 का सब क्लॉज 1 यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन प्रावधान जो RPA के हैं वो ये दिए गए हैं. और सेक्शन 8 कहता है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 8 ऑफ द RPA डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. द प्रोविजन इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड कीपिंग टेंटेड लॉ मेकर्स फ्रॉम contesting election. ठीक है, तो सेक्शन 8 ये प्रावधान देता है कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपके ऊपर RPA के तहत प्रावधान बनता है डिस्क्वालिफिकेशन का. और डिस्क्वालिफिकेशन होने के लिए जो मेजर नियम है वो किसमें है? आर्टिकल 102 एक में और 191 एक में, जहां पे पहला है आपका अनसाउंड माइंड इंसॉल्वेंसी वाला, दूसरा दल बदल कानून, और तीसरा क्राइटेरिया आता है जहां पे आपने कन्विक्शन हो किसी क्रिमिनल केस में. तो ये वाला थर्ड वाला जो है वो लगता है राहुल गांधी साहब पे, जहां पे कोई क्रिमिनल केस लगा है, क्योंकि ऊपर धारा 500 लगी जिसके ऊपर उन्होंने इंप्रिजनमेंट और उनको जुर्माना है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के का जो क्राइटेरिया इसमें आता है. और अगर जो RPA के प्रावधानों में देखें, सेक्शन 8 इस बात को कहता है कि कहीं आपको कोई टेंटेड लॉ मेकर आप हो या फिर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन हो जहां पे आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में से आपको बचाने का ये तो प्रिवेंटिंग शब्द यूज हुआ है, तो सेक्शन 8 इस बात पे जोर देता है कि आपको हम रोके किसी क्रिमिनलाइजेशन एक्टिविटीज में जो लगने के लिए. तो सेक्शन 8 में कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो प्रावधान है आपको डिस्क्वालीफाई करने का. अच्छा, ना फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन इज ट्रिगर्ड. अब जो ये चीजें जो डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, इनको यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है. ना फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन इज ट्रिगर्ड फॉर कन्विक्शन अंडर सर्टेन ऑफेंसेस लिस्टेड इन 81 याद रखिएगा, 82 एंड 83. ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कौन कौन से कन्विक्शन लाती है, कहां कहां आपको दोषी ठहराया जा सकता है प्रावधानों के हिसाब से, ये बताते हैं. तो 8 में इसको एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, तो बताते हैं कि 81 में जो लिस्टिंग है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, दिस इंक्लूड्स स्पेसिफिक ऑफेंसेस सच एज प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, ब्राइबरी एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन और एट एन इलेक्शन, मतलब ब्राइबरी हो गया और दो ग्रुपों में लड़ाई कराना, ये सब चीजें आपका 81 में आती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी आजम के जो लीडर थे आजम खान का, उनका ऐसा केस फंसा था इसमें. ना 82 में क्या है, ऑल्सो लिस्ट ऑफेंसेज दैट डील विद होर्डिंग और प्रोफिटरिंग अडल्टरेशन ऑफ फूड और ड्रग्स एंड कन्विक्शन एंड सेंटेंसेज ऑफ एटलीस्ट 6 months. जहां पे प्रोफिटरिंग प्रॉफिट के लिए या फूड और ड्रग्स जुड़े कन्विक्शन आपके ऊपर लगते हैं, या जहां डाउरी भी आता है, प्रोहिबिशन एक्ट आता है, वो 81 के अंदर आता है. ठीक है, ये भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन के को बढ़ावा देने वाले पॉइंट्स बताए जा रहे हैं 8123 के अंदर. ठीक है, नाउ 83 कहता है, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years. बस 83 याद रखिएगा, जहां पे कहते हैं कि कोई भी किसी भी कन्विक्शन में अगर आपको 2 साल से कम की सजा नहीं हुई है, शेल बी डिस्क्वालीफाई, तो आप डिस्क्वालीफाई होते. मतलब अगर राहुल गांधी साहब को 2 साल से कम की सजा होती तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते. फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शेल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 years सिंस इज रिलीज. ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 83. 83 कहता है कि 2 साल तक की सजा होने से आप डिस्क्वालीफाई होंगे, और फॉर अ फर्दर कितना एक्सटेंड कर सकता है, 6 साल तक के लिए. तो जो ये पहली लाइन यहाँ पे हमने समझी, जहां पे उनको ये कहा गया था, क्या उनको सेंटेंस क्या यूज हुआ है, 15,000 का जुर्माना एंड सेंटेंस सस्पेंडेड, सॉरी ये नहीं, माय मिस्टेक, ये लाइन नहीं है, ये लाइन है, फॉर डिफेमेशन ऑफ अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years 2 साल और विथ फाइन, मतलब ये या तो ये और विथ बोथ या फिर दोनों,
इनमें से कोई पर या तो काम ऐसे ही पूरा हो गया, जैसे ही ये लॉ हमारा क्या कहता है कि जहां आपकी सजा 2 साल तक या उससे नॉट लेस देन 2, 2 साल से कम नहीं है, कम है तो नहीं आप डिस्क्वालीफाई होंगे, 2 साल तक होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है, शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम डेट ऑफ सच कन्विक्शन, जैसे ही आपके ऊपर लगा कन्विक्शन हो गया वैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो गए, शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 ईयर सिंस हिज रिलीज, तब तो 6 साल तक एक्सटेंड हो सकता है. Now, how does the disqualification operate? ये काम कैसे करता है, अभी तक कैसे काम कर रहा है, करा है कैसे इसने? The disqualification can be reversed if a higher court. अब ये रिवर्स कब हो सकती है, ये सब यही बातें कर रहे हैं कि रिवर्स हो सकती है, शायद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप नहीं जाएगी. सो उन्हें उस पर लिखा जा रहा है कैन बी रिवर्स इफ अ हायर कोर्ट ग्रांट्स अ स्टे ऑन द कन्विक्शन और डिसाइड्स द अपील इन फेवर ऑफ द कन्विक्टेड लॉ मेकर. ऑब्वियसली अगर उसके पास स्टे हो जाए, उनके पास 30 दिन का टाइम है, वैसे तो वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन उनको 30 दिन का टाइम दिया गया है इस केस में, अगर सुप्रीम कोर्ट या हायर अथॉरिटी ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ही है उस केस में जहां वो अपील करते हैं. वैसे तो कहा गया कि पहले उनको सुप्रीम कोर्ट पहले उनको एक सेशन कोर्ट में अपील करना चाहिए, उसके बाद उनको या हाई कोर्ट में ही अपील करना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ऐसे कुछ आर्टिकल कह रहे हैं. लेकिन ऐसा मान के चलिए जहां भी वो अप्लाई करें, हायर कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही बनती है एज पर दिस आर्टिकल. पर एक आर्टिकल में ऐसा भी लिखा है कि वहां उनको पहले लोकल कोर्ट में ही अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद आगे जाना चाहिए. वो अपने एक्सपर्ट अपने हिसाब से राय देते हैं, मेरी कोई राय नहीं है. लेकिन यहाँ ये लिखा है कि हायर कोर्ट में अगर वो जाते हैं उनको स्टे मिल जाता है तो रिवर्स हो सकता है ये. नाउ 2018 के डिसीजन के हिसाब से लोक प्रहरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट ऑपरेट फ्रॉम द डे ऑफ स्टे. और उन्होंने साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन जब आपको स्टे मिलेगा तब से शुरू नहीं होता है. ऑफ कन्विक्शन बाय द एपेलेट कोर्ट, मतलब उसके आपका आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तब से शुरू नहीं होगा जब आपको स्टे मिलेगा, मतलब जिस दिन आप कन्विक्ट हुए तभी से शुरू हो गया. राइट, इसके ऊपर कई उसके इस नियम के आने के पहले 2018 के आने के पहले और भी कई चीजें डिस्कस हुई है, वो आपको दिखाऊंगी मैं. सिग्निफिकेंटली द स्टे कैन नॉट मियरली बी अ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 389 ऑफ द सीपीसी बट अ स्टे ऑफ कन्विक्शन, मतलब सिर्फ आपको सिर्फ सेंटेंस का सस्पेंशन नहीं है, पूरे कन्विक्शन, मतलब अगर आपको बोला है कि दो साल आपको की जगह वो कहते हैं आपको 1 साल की सजा हो गई, तो इससे आप सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं इस नियम के हिसाब से. इसका मतलब आपका पूरा जो कन्विक्शन है, जो आपको जुर्माना भी लगा है, आपके पास जो जो आपको दोषी ठहराया गया है कन्विक्शन, उसको पूरा स्टे करना पड़ेगा, सिर्फ आधे से काम नहीं चलेगा. पर ऐसा एक्सपर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से अगर रिक्वेस्ट अगर अप्रूव कर देता है तो भी ये 2 साल की सजा अगर 1 साल हो जाती है तो भी वो माना जा सकता है एज पर कोर्ट. पर नियम ये कहता है अंडर सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी इन एपिलेट कोर्ट कैन सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ अ कन्विक्ट वाइल अपील इज पेंडिंग, देयर इज अकिन टू रिलीजिंग द एपिलेंट ऑन बेल. ठीक है, इसमें बहुत लॉ में नहीं जाते हैं, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि उनको हायर कोर्ट इसको अलाउ करेगा तो ही पॉसिबल है, जहां पर उनको पूरा कन्विक्शन रुकवाना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा अगर कोर्ट करता है तो. दिस मीन्स द गांधीज फर्स्ट अपील वुड बी बिफोर द सूरत सेशंस कोर्ट एंड देन बिफोर द गुजरात हाई कोर्ट. जैसा कि मैंने कहा यही वो लाइन है. ठीक है, इसमें नहीं जाना है कहां अपील करनी है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, मतलब आरपीए के हिसाब से क्या नियम है जो आपके प्री और मेंस की तैयारी में हेल्प करेंगे, आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग पे नहीं जाना है. Now, how has this law changed? और ये law पहले क्या था वो आपको दिखा दूंगी. Change कब हुआ कि पहले ये था कि conviction के बाद से नियम जो पहले था 2013 के पहले की बात मैं कर रही हूँ, जब किसी भी MP MLA को convict किया जाता था उसके बाद उसके पास 3 महीने का time होता था. तो लोग क्या करते थे, जो कन्विक्ट होते थे उसका टाइम का फायदा उठाकर भी कन्विक्शन से बच जाते थे और फिर से अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते थे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोक के. पर इसके ऊपर जब अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस और यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद से इसको रोक दिया, जिसमें 8-4 को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया. और 8-4 क्या है, दैट डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स इफेक्ट ओनली आफ्टर 3 मंथ्स हैव इलैप्स, जब 3 महीने गुजर जाएंगे तब आप डिस्क्वालीफाई होंगे. फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन within that period, lawmakers could file an appeal against a sentence before the High Court. और जब 3 महीने का टाइम तक आते आते उसको अपील हो जाती थी और जो lawmakers थे वो बच जाते थे. लेकिन 2013 में इस जो 8-4 अभी मैं 8-3 तक पढ़ा है ना, 8-3 तक हम पढ़ चुके हैं, तो 8-4 जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया. अब आपके जो कन्विक्शन है सेम डे से चालू हो जाता है, तो मतलब इस वक्त राहुल गांधी साहब डिस्क्वालीफाई. ठीक,
अब जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है वो ईटी न्यूज का है, मींस इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। इसमें बताया जा रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है लेजिस्लेटर्स की। द आर्टिकल 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स फ्रॉम पार्लियामेंट और असेंबली एंड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी, नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन। तो मैं भी देख ही चुकी हूं 102 में सब क्लॉज 1 में ये नियम है जब आप डिस्क्वालीफाई होने का बेसिक आधार कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा आरपीए 95 सेक्शन 8 कहता है प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स और मोर, 2 साल से ज्यादा के लिए अगर आपको सजा मिलती है तो सजा आरपीए के तहत नहीं, आईपीसी या सीआरपीसी किसी जगह अगर आपको कन्विक्ट इम्प्रिजनमेंट मिलता है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं 2 साल से और या फिर 2 साल से ज्यादा। द बार ऑन कॉन्टेस्टिंग पोल एक्सटेंड्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 साल तक के लिए बढ़ सकता है, क्लियर है। 2013 में से मैंने आपको बताया 8-4 को, मतलब सेक्शन 8-4 को आरपीए का जो सेक्शन था जहां 3 महीने के बाद आपका डिस्क्वालिफिकेशन चार्ज शुरू होता था, उसको लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को याद रखिएगा, आप कोट करिएगा मेंस में अगर आता है सवाल तो उसमें इसको कोट करना जरूरी हो जाएगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और बोला अकॉर्डिंगली अ लेजिस्लेटर इज इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड अपॉन कन्विक्शन, ईसी इज मैंडेटेड टू होल्ड इलेक्शंस टू एनी वैकेंट सीट विद इन 6 मंथ्स ऑफ वैकेंसी। मतलब आज से खाली होगी सीट, अब 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर इलेक्शन कराने चाहिए, इज मैंडेट, सॉरी नॉट कराने, मैंडेट है, कराने पड़ेंगे ऑब्वियसली। यस, नाउ ये था अभी तक का हमारा पहला वाला न्यूज। सेकेंड न्यूज आ गया है ग्लुटिन इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या घटना घटी, लोकसभा थर्सडे पास द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ बजट 23-24। हम सब जानते हैं कि बजट के पास होने के बाद ग्रांट्स की जाती हैं बजट के पैसे को निकालने के लिए और खर्चों में लगाने के लिए, एन अप्रोप्रिएशन बिल। और उसके बाद क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल आता है। तो मतलब क्या है, 2 बिल आते हैं, एक तो फाइनेंस बिल आता है, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा अप्रोप्रिएशन बिल, उन खर्चों को निकालने के लिए। फाइनेंस बिल में बताया जाता है, अप्रोप्रिएशन में निकाला जाता है बाय अ वॉइस वोट विदाउट एनी डिस्कशन। मतलब उन्होंने ये न्यूज कहना चाह रही है कि जो डिमांड्स है ग्रांट्स की बजट 23-24 की, उसके अप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दिया गया किसी भी डिस्कशन के बगैर। ऐसा क्यों हुआ, स्पीकर ओम बिरला अप्लाइड गिलेटिन एंड पुट डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज टू वोट, द डिमांड्स वर पास्ड इवन एज द ऑपोजिशन एमपी ट्रूप्ड इनटू द वेल ऑफ हाउस शाउटिंग स्लोगन। क्योंकि बहुत ज्यादा नारेबाजी हो रही थी, और ऐसा होता है कि बजट के पास करने के बाद एक लिमिटेड समय में लोकसभा को फाइनेंस बिल पेश करना होता है, पास कराना होता है, ताकि बजट की कार्यवाही आगे बढ़ सके, इसलिए गिलेटिन लाया जाता है। पहले भी हुआ है, कोई नई घटना नहीं है, तो ये इसको पेपर में आया है, ये घटना घटी है, समझना जरूरी है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो अब क्या है, व्हाट डज गिलेटिन रिफर्स टू इट, लेजिस्लेटिव पार्लेंस। गिलेटिन का मतलब ये होता था कि एक लकड़ी का, पहले जमाने में, मतलब अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो पहले जमाने में इस शेप का एक लकड़ी का एक बड़ा सा पट्टा होता था, उसमें गिलेटिन सजा होती, जहां पे आदमी का सर यहाँ फंसा के उसको काट दिया जाता सजा, मतलब डेथ सेंटेंस इसी जगह मिलते, कहते थे गिलेटिन, डेथ सेंटेंस यहीं पे मिला करते थे। मैं पुराने जमाने की, बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, अगर आप फ्रेंच की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी, और कुछ और अरेबिक हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी, वहां पे ऐसे ही जगह पर डेथ सेंटेंस लोगों को, कन्विक्ट लोगों को दिए जाते थे, जहां पे से फट्टे पे सर फंसा के एक आपका डेथ पर जो आता था बंदा, आपका गला काटता था और उससे सर नीचे गिर जाता था, तो उसे उस जगह को गिलेटिन कहा जाता था। तो ये वैसे ही कुछ है कि सारे डिस्कशन को खत्म कर देना और गिलेटिन पास कर देना और एग्जीक्यूट कर देना फाइनेंस बिल को, इसका मतलब यही है एक्चुअली। तो गिलेटिन पार्लियामेंट में यूज हो रहा है, तो वो क्या है, इज एन एपरेटस डिजाइंड फॉर इफेक्टिवली कैरिंग आउट एग्जीक्यूशन बाय हेडिंग इन लेजिस्लेटिव पार्लेंस। नो गिलेटिन मींस टू गिलेटिन मींस टू बेंच बंच टुगेदर एंड फास्ट ट्रैक द पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स। जल्दी फटाफट काम करने को गिलेटिन कहा जाता है, और ये अपरेटस डिजाइन किया गया है इफेक्टिवली काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि फटाफट से फाइनेंस बिल आ सके और फिर अप्रोप्रिएशन बिल आ सके और काम आगे बढ़ सके। उसको आप पढ़िएगा जरूर, प्री में जरूरी है, लगता है शायद पूछा जा सकता है। अच्छा, अब फटाफट देख लेते हैं ये फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल क्या है। फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल एज डिफाइंड इन आर्टिकल 110, ठीक। डिस्क्रिप्शन क्या है, द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस, मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड द पीरियड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट आर सबमिटेड टू पार्लियामेंट थ्रू दिस बिल। अब वो करते क्या है, अपने जितने खर्चे हैं उनकी पूरी लिस्टिंग जो है पार्लियामेंट को दी जाती है सरकार के द्वारा, कि हम भाई ये खर्चे करने वाले, ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। और अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, गिव्स पावर टू गवर्नमेंट टू विदड्रॉ
funds from consolidated fund of India for meeting the expenditure during the financial year. तो मतलब financial year में खर्चे दिखाए जाते हैं, appropriation है उन खर्चों के लिए पैसा निकालने के लिए एक बिल पेश किया जाता है. अच्छा फाइनेंस बिल की खास बात क्या है? The finance bill is accompanied by a memorandum containing explanation of the provisions included in it. The finance bill can be introduced only in Lok Sabha. इस बार पहले पूछा गया है कि finance bill सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है. उसके बाद राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट दे सकती है राज्यसभा, पर उसके उसके ज्यादा उसका कोई अधिकार नहीं है. तो अप्रोप्रिएशन बिल का मत समझ गए हम. द पोस्ट ऑफ पोस्ट डिस्कशन ऑन बजट प्रपोजल ऑन द एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द अप्रोप्रिएशन बिल इन द लोकसभा. इट इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड द अमाउंट सपोर्टेड फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. तो जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए उनको एक अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है, जिससे वो खर्चा आगे का या जो भी खर्चे या जो फाइनेंस में दिखाया गया है उसको निकाल सके. ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस. आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जहां मैंने आपके जीएस टू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आपके सामने रखा क्वेश्चन पेपर की मदद से, और उन्हीं के आधार पर आप अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाइए, जहां पर आप प्री और मेंस के सवालों को पढ़ते रहिए और तैयारी में एड ऑन करते रहिए. अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे एफर्ट्स में और करूं, जहां पे इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकती है, ज्योग्राफी भी हो सकती है, तो प्लीज मुझे कमेंट बैक जरूर करिएगा. मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट डिस्कशन में. तब तक तैयारी करते रहिए.